हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनंदिता सिंह ठाकुर। मैं प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ हिमाचल के एक छोटे से टाउन हमीरपुर में। मैं एक प्राइवेट जॉब में काम करती हूँ एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज की बात जो हम करेंगे वो दिल से करेंगे और आई होप ये बात आपके भी दिल तक ज़रूर जाएगी। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। वैसे तो आज की दुनिया में देखा जाए तो कितने लाखों मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्पिरेशनल जर्नीज हैं लोगों की जो आप सुन सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2 साल पहले कि मुझे ये मोटिवेशन हुआ कि मैं भी थोड़ा बहुत अगर किसी की लाइफ में रत्ती भर सा भी अगर फ़र्क डाल सकती हूँ तो मुझे अपने पार्ट पर वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में थी तो ये ज़रिया भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये आप सब तक पहुंचने का एक अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू मैं अपने जो भी नॉलेज है वो आप सब में शेयर कर सकती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना और कंसल्टेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना या फिर इवन जिनको ओपीडी बेसिस पे काउंसलिंग की कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है या उनको अपने हेल्थ की अवेयरनेस नहीं होती है तो उन सब तक पहुंचा जा सके। तो हुआ यूँ कि प्रोफेशनली मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो लाइफ हमेशा से बहुत हेक्टिक थी और हेल्थ वाइज भी आई एम नॉट ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड हेल्थ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी, चूँकि हमेशा बिजी लाइफ की आदत थी तो अपने आप को एक थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड जब हम लेने लगते हैं, और एज डॉक्टर एंड मैरिड इन टू अ डॉक्टर फैमिली यू नेवर गेट टू बिकम अ पेशेंट। आप पेशेंट की तरह कभी ना बिहेव कर पाते हैं और ये एक तरीके से समझिए तो अच्छा भी होता है कि जब आपको कुछ तकलीफ हुई आपने फटाफट एक गोली अंदर ली एंड यू स्टार्ट फीलिंग ऑल राइट एंड अगेन यू आर बैक टू योर वर्क। लेकिन हुआ यूँ कि 2 ईयर्स पहले आई हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम और आई अंडरवेंट हिस्टरेक्टमी एंड ये सडन जो सर्जिकल मीनोपॉज मेरी लाइफ में आया तो इट मेड मी रियलाइज कि मीनोपॉज इज सच अ सिवियर प्रॉब्लम और इसके बारे में हमारी इवन ओपीडीज़ में या इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में भी बहुत कम जगह मीनोपॉजल क्लिनिक्स हैं या मीनोपॉजल लेडीज़ अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि अब हमारे बच्चे चले गए हैं, अब हमें अपने लिए क्या करना है और अब तो ओल्ड एज है तो ये दर्दें तो लगी ही रहेंगी, अरे ये सिर दर्द तो होता ही है, हॉट फ्लैशेस तो आने ही हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पीरियड्स नहीं आए पर अक्सर ऐसा होता है ना, 50 की एज के आसपास ये सब चलता रहता है। तो बहुत सारा ये मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी महसूस करती थी कि इस तरीके का एक टेम्परामेंट हमारी सोसाइटी में है, बिकॉज हम अपनी बेटियों के लिए भी बहुत जिम्मेदार हो गए हैं कि जल्दी से कुछ प्रॉब्लम हुआ और हम हॉस्पिटल तुरंत जाते हैं। और एक अच्छी बात जो है कि आजकल इवन एंटीनेटल या प्रेगनेंसी में भी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और वो अपना भली भांति देखभाल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेनोपॉज में लोग इतना ओपन हैं। और ऐसा था कि सर्जिकल मीनोपॉज के बाद ऑल ऑफ अ सडन इतने सारी चीज़ें मेरी हेल्थ में और मेरी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए उन्होंने मुझे सोचने पे ये महसूस मजबूर किया कि मैं क्यों ना इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स मीनोपॉज ला सकता है और हमें क्यों अपने फीमेल्स की या कहें बेटियों की, अपनी मदर्स की, अपनी सिस्टर्स की या अपनी वाइफ्स की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो शुरू से ही मेरी हेल्थ कोई ख़ास नहीं थी, आई हैड सोरियाटिक आर्थराइटिस विच इज़ अ ऑटोइम्यून डिजीज़ और जो कि काफ़ी सिवियरिटी में रहता है, और उसके अलावा माइग्रेन्स वर देयर एंड सम लिटिल बिट हियर एंड देयर, यू नो ऑल गायनेक प्रॉब्लम्स वर पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑलवेज। तो मुझे हिस्टेक्टमी एडवाइस की गई एंड जब मैं हिस्टेक्टमी के लिए जा भी रही थी सम टाइम्स यू नो आई यूज टू फील कि मैं ये ठीक डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं, बट
व्हेन माय गायनेकोलॉजिस्ट आस्क मी कि मैडम आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, शुड आई रिमूव योर ओवरीज और यू वांट टू रिटेन योर ओवरीज, एट दैट टाइम आई वाज ऑलमोस्ट 47 इयर्स ओल्ड. तो मैंने सोचा कि ओवरीज का अब क्या काम है एंड लेट मी गेट देम रिमूव्ड और शायद इसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा. एक यही तो दिक्कत है मेरी लाइफ में कि मुझे हर महीने थोड़ा दर्द, थोड़ा तकलीफ और कुछ थोड़ा इधर उधर अनवेल रहता है. तो मैंने डिसीजन लिया नॉट विदाउट सीरियस थिंकिंग, नॉट विदाउट सीरियसली स्टडिंग मीनोपॉज. हालांकि मैं खुद भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट आई वॉज नॉट सेल्फ अवेयर और अवेयर अबाउट मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स दैट मच. एंड आई गॉट माई ओवरीज रिमूव्ड एंड आई थिंक दैट वॉज द नेल इन कॉफिन, या कहिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जहाँ मुझे ये सोचने के लिए मुझे मजबूर किया कि हम इतने बिजी रहते हैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वी आर ऑलवेज सेक्रीफाइजिंग ईदर एज अ डॉटर और एज अ मदर और एज अ वाइफ और एज अ डॉटर इन लॉ और एज एनी एज डॉक्टर ऑल्सो, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि यार उसका डिलीवरी करवाना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. प्रोफेशनली ऑल्सो आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, लेकिन इतनी सारी बिजी रहने के साथ साथ मुझे अपने आप के लिए भी बिजी होना बहुत ज़रूरी था. वो अवेयरनेस जो मुझमें नहीं थी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यू आर योर ओन सुपर वुमन. कोई और आपको ये बताने नहीं आएगा कि आपकी हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 50s और व्हेन यू आर इन योर 40s. जब आप वो पेरीमेनोपॉज के टाइम में होते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब फादर्स, उन सन्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स के साथ भी, कि वो लोग भी अगर इस चैनल को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं या सुनते हैं, तो वो भी अपनी फैमिली की जितनी फीमेल्स हैं या वुमेन हैं उनकी लाइफ में, उनको इस चीज़ के लिए प्रमोट करें कि उनको भी अवेयर होना चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट मोटिवेटिंग यू कि आप मोटिवेट होके आज से एक्सरसाइज करने लगें, या आप अपने आप को जो है वो एकदम अपने लिए ही सोचना शुरू कर दें. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अगर हम सेल्फ केयर कर रहे हैं तो वी आर सेल्फिश. हम इस थॉट के साथ बचपन से हमें बड़ा किया जाता है कि यू हैव टू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज डॉटर, एज डॉटर इन लॉ और एज वाइफ और एज मदर्स. और हम भी अपने आप को उसी सेक्रीफाइसल रोल में देख के हमेशा अपने आप को दिल से एक सांत्वना देते हैं कि नहीं, मैं तो ये बेस्ट कर रही हूँ, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आज की डेट में इंडिया में ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फीमेल्स की है वो 79-80 ईयर्स के आसपास है. तो 80 ईयर्स की लाइफ में शायद जो टाइम आपने बचपन का बिताया है और अलमस्त होके बिताया है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम एज वेमेन बहुत ज़्यादा कभी भी इस चीज़ के लिए सोच पाते हैं कि हमारे लिए सही डिसीजन क्या है और हमें अपने लिए क्या करना ज़रूरी है. और बहुत सारे लोग तो अराउंड 50 के आते आते, जिनके हस्बैंड्स रिटायर हो गए हैं या पार्टनर्स खुद भी सिक हो चुके हैं या किसी हेल्थ एलिमेंट के साथ उनके पेरेंट्स हैं या इन-लॉज हैं, वो दोबारा से एक नई जर्नी में बच्चे अभी छोड़ के जा रहे होते हैं एंड अगेन यू आर इनटू दैट मोड कि अब तो मुझे पेरेंट्स के लिए, इन-लॉज के लिए या हस्बैंड के लिए करना है. तो मेरा इस चैनल को शुरू करने का, वुमेन वेलनेस इसका नाम रखने का भी यही मकसद था कि ना तो सिर्फ मैं आप लोगों को फिजिकली हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट कर सकूं, बल्कि आपके मेंटल चैलेंजेस जो इस टाइम में आपको फेस होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकें, हम जितना ज़्यादा हो ये पब्लिक अवेयरनेस कर सकें कि हम, बहुत ज़रूरी है कि हमें हर किसी को सोसाइटी में जैसे हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है,
क्योंकि 50 की एज के बाद 20% जो फीमेल्स हैं उनको तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपके फ्रैक्चर के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं, और अगर आप फ्रैक्चर्ड होके अगर बेड पे लेट जाते हैं तो ये इवन आपकी फैमिली के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर बोन हेल्थ व्हेन इट इज़ एट पीक। 25-30 ईयर्स की एज में आपकी बोन हेल्थ एट मैक्सिमम होती है। और आपने कब अपना पैप टेस्ट करवाया था, क्या आपको मालूम है कि 25 की एज के बाद आपको पैप स्मियर एवरी 5 ईयर्स रिपीट करना चाहिए एज अ स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, आपने क्या कभी अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया है, या आपने हमारे इंडिया में जो गाइडलाइंस है 40-44 ईयर्स की एज में हमें एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए और उसके बाद से हमें ईयरली उसे रिपीट करना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि इवन हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट सिस्टर्स हैं वो भी इतना ज़्यादा अवेयर है अपने लिए। हमें ये मालूम रहता है कि हमारे बच्चे को नीट या आईआईटी के एंट्रेंस के लिए किस दिन अपेयर होना है, कौन सी क्लास से शुरू करना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने अपने ब्लड टेस्ट्स कब करवाए थे, हमने अपना एनुअल चेकअप करवाया कि नहीं करवाया। तो ये चीज़ जो है, अगर मैं इस YouTube चैनल के थ्रू आप तक पहुंच पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बहुत सारी कुलीग्स हैं, मेरी साथ जो काम कर रही मेरी फ्रेंड्स हैं, उनमें से बहुत सारी फ्रेंड्स की हिस्ट्रेक्टमी हुई और बहुत लोगों को मैंने इस जर्नी के थ्रू जाते देखा। इवन मैं तो बात करूं तो इवन जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान थी तो आई एम मदर ऑफ टू टीनेज वंडरफुल सन्स, और यू नो मेरी पढ़ाई और बच्चे दोनों साइड बाय साइड, मैंने अपना करियर और जो बच्चों का देखभाल है वो दोनों साथ साथ किया। लेकिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी में भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, मुझे पोस्टमार्टम अपना क्या ख्याल रखना है। और मैं तो उस टाइम गायनेक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स विच आई थिंक जो गलतियाँ हमने की वो आप ना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। अपने लिए ज़रूर कुछ समय निकालें जो सिर्फ आपका हो, जिसमें आप ये इवैल्यूएट कर सकें कि आपके क्या शौक हैं, क्या आपने उन्हें पूरा करना शुरू किया कि नहीं। अपने लिए टाइम निकालिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़रूर अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये चैनल ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच।